हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये है? क्योंकि ये है क्लास 11th के लेसन अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस्टर ब्राउन सजेस्ट टू आइंस्टाइन? मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टाइन को क्या सुझाव दिया? मिस्टर ब्राउन सेड, मिस्टर ब्राउन ने कहा दैट आइंस्टाइन वाज एन अनग्रेटफुल बॉय, कि आइंस्टाइन एक एहसान फरामोश या कृतघ्न लड़का है, एंड ऑट टू बी अशेम्ड, और से शर्मिंदा होना चाहिए ऑफ हिमसेल्फ, खुद पर। ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम, उन्होंने उसे ये भी सुझाव दिया टू आस्क हिज फादर, अपने पिता से कहे टू टेक हिम अवे फ्रॉम स्कूल, कि उसे स्कूल से ले जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज आइंस्टाइन लिविंग इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक? आइंस्टाइन म्यूनिक के सबसे गंदे घरों में क्यों रह रहे थे? आंसर देखिए, आइंस्टाइन फादर हैड सो लिटिल मनी, आइंस्टाइन के पिता के पास इतना कम पैसा था टू स्पेयर वेयर करने के लिए, दैट ही हैड बीन फाउंड अ रूम, कि उन्हें एक कमरा लेना पड़ा इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक के सबसे गरीब या गंदी बस्ती में। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसे गंदगी और आराम की चिंता नहीं थी, बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वहां के गंदे और हिंसक वातावरण से उसे घृणा थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स, What incident did Yuri tell about a duel? Yuri ने द्वंद के बारे में कौन सी घटना बताई? Answer: Albert ने सोचा that Yuri lived among civilized human beings, कि Yuri सब लोगों के बीच रहता है, though they were poor, भले ही वे गरीब हों, but it was not so, लेकिन ऐसा नहीं था। According to Yuri के अनुसार All were not civilized, सारे लोग सभ्य नहीं थे। He narrated the incident, उसने एक ऐसी घटना का वर्णन किया that one of them was killed last week in a duel, कि उनमें से एक मारा गया पिछले ही हफ्ते एक द्वंद में, आपसी लड़ाई में। And nothing had happened, और कुछ भी नहीं हुआ to one, उसको who killed him, जिसने उसे मारा था। He was only told, उससे सिर्फ इतना ही कहा गया नॉट टू फाइट, कि लड़ना मत, एनी ड्यूअल इन फ्यूचर, भविष्य में इस प्रकार का कोई भी द्वंद। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एलिसा टेल टू आइंस्टाइन? एलिसा ने आइंस्टाइन को क्या बताया? एलिसा ने आइंस्टाइन को बताया दैट शी वाज श्योर, कि वो निश्चित थी ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन, कि वो इतना तो सीख ही जाएगा कि एग्जाम पास कर ले, इफ एल्बर्ट ट्राइड, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन या एल्बर्ट कोशिश करे। शी न्यू लॉट्स ऑफ बॉयज, वो ऐसे बहुत से लड़कों को जानती थी हु वेयर मच मोर स्टूपिड, वो कहीं ज्यादा बुद्धू थे देन हर कजन, उसके चचेरे या मोसेरे भाई के मुकाबले, एंड दे गॉट थ्रू, और फिर भी वे कामयाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सेप्ट साइंस डिड आइंस्टाइन लाइक? विज्ञान के अतिरिक्त आइंस्टाइन को क्या पसंद था? एक्सेप्ट फ्रॉम बुक्स ऑफ साइंस, विज्ञान की किताबों के अलावा, आइंस्टाइन्स ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, आइंस्टाइन को संगीत में बड़ा मजा आता था। ही लाइक्ड इट वेरी मच, वैसे बहुत पसंद करता था, एंड प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और निरंतर लगाता अपनी वायलिन बजाया करता था, अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट, जब तक उसकी मकान मालकिन उसे वायलिन या संगीत रोकने के लिए ना कहती। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द डॉक्टर डिमांड एज द फी फ्रॉम आइंस्टाइन? डॉक्टर ने आइंस्टाइन से शुल्क के तौर पर क्या मांगा? डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर व्हील ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया, एंड सेड बेस्ट ऑफ लक टू आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन को भविष्य की शुभकामनाएं दी। आइंस्टाइन ने पूछा हाउ मच फॉर डॉक्टर्स फी, कि डॉक्टर की फीस कितनी होगी? द पोलाइट आंसर फ्रॉम डॉक्टर साइड केम दस, डॉक्टर की ओर से विनम्र उत्तर कुछ इस तरह आया, नथिंग, कुछ भी नहीं, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों,
इनवाइट यूरी टू अ मील, यूरी को एक दावत दो, भोजन पर बुलाओ। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, तुम्हारा भी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। सो दोस्तों ये थे शॉर्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11th के लिए। लेसन था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।